समंदर जो ना जाने कितने लोगों के रोजगार का सहारा है, और उन्हीं में से हैं ये मछुआरे जो सदियों से मछली पकड़ने की परंपरा को अपने जीवन यापन के रूप में निभाते चले आ रहे हैं। लेकिन अब मानो इनके दिन सवरने लगे हों, इनके व्यापार में बढ़ोतरी हो रही है जिससे इनका परिवार भी काफी खुश रहने लगा है। और अगर इस तरक्की की बात करें तो यह बीते 9 सालों में देखा गया है। ये सच है कि पिछले 9 सालों में भारतीय बंदरगाहों और शिपिंग से जुड़े क्षेत्रों में काफी रफ्तार से तरक्की हुई है, बल्कि इनके जैसे तमाम मछुआरों के सामान पोर्ट के माध्यम से आते जाते हैं। इन्होंने भी पिछले 9 सालों में अपनी सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति के चलते काफी लाभ प्राप्त किया है। 2014 में जहां भारतीय पोर्ट की क्षमता 871 MTPA थी, वहीं उसमें 86% की वृद्धि हुई है, जिससे अब यह क्षमता 1617 MTPA हो गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ग्लोबल रैंकिंग इन इंटरनेशनल शिपमेंट कैटेगरी में भारत 44वें रैंक पर था, जो अब 22वें रैंक पर आ गया है। और यह संभव हो पाया है भारत सरकार की कई योजनाओं से, जिसमें से एक है MOPSW की सागरमाला प्रोग्राम, जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य देश में पतन आधारित विकास करना है। सागरमाला के तहत 45,865 करोड़ की पोर्ट औद्योगीकरण की 9 परियोजनाएं पूरी हुई है। वहीं 620 करोड़ की लागत से 9 मत्स्य पालन हार्बर परियोजनाएं पूरी हुई हैं, जिससे 30,000 से अधिक मछुआरों को लाभ मिला है। 122 करोड़ की लागत से 5 कोस्टल बर्थ का निर्माण हुआ है, जिससे 6.35 MTPA क्षमता की वृद्धि हुई है। 2600 करोड़ की लागत से 62 सड़क और परिणाम स्वरूप 1500 किलोमीटर लंबी सड़क और बंदरगाहों से रेल संपर्क मजबूत हुआ है। वहीं अंतरदेशीय जलमार्ग में कार्गो ट्रैफिक भी इन 9 सालों में बढ़कर 320% हो गई है। इन बेमिसाल 9 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ साथ MOPSW ने भारत को सुरक्षित भी बनाया है। CSL द्वारा निर्मित INS विक्रांत, जिसे प्रधानमंत्री ने देश को समर्पित किया है, MOPSW निरंतर प्रगति की ओर तत्पर।